कोलकाता में रैगिंग के विरोध में छात्रों ने एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल ये छात्र सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के एक छात्र के साथ हुई रैगिंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। रैगिंग का आरोप कॉलेज के ही एक छात्र नेता पर है, जिसके खिलाफ पीड़ित छात्र ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि छात्र नेता ने अन्य छात्रों की मौजूदगी में उसके कपड़े उतरवाए और सबके सामने परेड करने को मजबूर किया। ये घटना 29 मई की है। पीड़ित छात्र कॉलेज के स्टूडेंट वेलफेयर यूनिट का सचिव है और वो फंड्स के उपयोग की जानकारी के लिए स्टूडेंट वेलफेयर यूनिट के अध्यक्ष से मिलने यूनियन रूम गया था और खर्च का हिसाब मांगा। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर कपड़े उतार कर उसकी परेड करवाई, साथ ही उसका वीडियो बनाकर कॉलेज में वायरल भी कर दिया। मामला बढ़ता देख पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।